साबूदाना वड़ा तो बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखिएगा कि हर एक वड़ा फट जाएगा। कभी कभी तो ये इतनी ज़ोर से फटता है कि तेल से सीधा बाहर उछलता है, तेल भी गिरता है। थोड़ा रिस्की सा हो जाता है और इसी डर की वजह से कई लोगों ने साबूदाना वड़ा बनाना छोड़ ही दिया है। कभी कभी ऐसे मिस्टेक आती हैं, इतने ज़्यादा ये ऑयली हो जाते हैं कि इतना ऑयली खाना खाना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तीसरी मेजर मिस्टेक, एकदम से सौगी हो जाते, गीले गीले लगते हैं, वो क्रिस्पीनेस, वो क्रस्ट इसमें मिसिंग है। तो इन्हीं मिस्टेक्स के साथ साथ हम एक परफेक्ट रेसिपी भी जानेंगे। गाइज, यहाँ मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ, इस तरफ देखिए साबूदाना, ये जो वड़ा है इसमें एक एक साबूदाने का दाना बिल्कुल खिला खिला दिख रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये दिखने में। तो ऐसे ही वड़े मैं आपको बनाना बताऊंगी, जो बिल्कुल भी तेल में नहीं फटेंगे, अपने अंदर ऑयल सोक नहीं करेंगे, जो बेहद क्रिस्पी होंगे और ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेंगे। और अगर इन्हें तोड़ के देखा जाए तो इनके अंदर टेक्सचर भी बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल पॉकेट स्टाइल साबूदाना वड़ा एकदम फूले फूले मैं आपको बनाना बताऊंगी। चलिए बनाते हैं। टिप नंबर वन, परफेक्ट साबूदाना वड़ा बनाने के लिए साबूदाना को कैसे भिगाएं। मैंने एक कप जितना साबूदाना लिया है, वजन में ये 200 ग्राम है, एक बोल में मैंने लिया है और इसे हम 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। ये जो सफ़ेद पानी है साबूदाने के अंदर का, ये इसका स्टार्च होता है इस पानी के अंदर, तो ये हमें निकालना है। अब ये देखिए, मैंने साबूदाने को अच्छे से वॉश कर लिया है, ज़्यादा रगड़ कर वॉश नहीं करना है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमें इसे भिगाना है, काफ़ी सारे अमाउंट में पानी डाल देना है, मतलब एकदम बढ़िया से साबूदाना भीग जाए। और अब पानी देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ये पानी मैंने डाल दिया। अब जिस समय मैंने इसमें पानी डाला, मैं आपको घड़ी में टाइम दिखा रही हूँ, यहाँ से लेकर आगे का आधा घंटा हम साबूदाने को इसी ज़्यादा पानी के अंदर पड़े रहने देंगे, आधे घंटे तक, ठीक है। ये देखिए आधा घंटा बीत चुका है, पानी को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप पानी को अलग कर सकते हैं या फिर छन्नी से छान भी सकते हैं, पूरा पानी निकाल देना है। आधे घंटे तक हमने साबूदाना को पानी में ही रखा था, इस प्रोसेस में साबूदाने को जितना पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करना था उसने कर लिया है, और बाकी का जब हम इसे ओवरनाइट रखने वाले हैं ये वही पानी इस्तेमाल करेगा और अपने आप फूल जाएगा। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए, बस अब हम इसे ढक देंगे और ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। अब टिप नंबर टू, साबूदाना वड़ा बनाते वक्त यूज़ होने वाले जो आलू होते हैं उनका बिल्कुल सही नाप और उन्हें उबालने का तरीका। आप कहेंगे उबालने का तरीका इसमें क्या खास है, इसमें खास है अगर आप बचना चाहते हैं कि आपके साबूदाना वड़ा बिल्कुल भी सौगी ना हो, ज़्यादा ऑयल ना सोक करे। इसके लिए जब हम आलू उबालते हैं ना, जब भी मुझे पाव भाजी या किसी दूसरी चीज़ के लिए आलू उबालने हो, मैं डायरेक्ट प्रेशर कुकर में आलू डाल के पानी डाल देती हूँ और उबाल लेती हूँ। लेकिन स्पेसिफिकली जब हमें साबूदाना वड़ा के लिए आलू उबालने, आप क्या करें, आप एक प्रेशर कुकर में एक रिंग रख दीजिए, पानी डाल दीजिए नीचे, रिंग की वजह से जो कंटेनर हम इसमें रखने वाले हैं वो ऊपर पानी से उठा रहेगा, और ये जो आलू अभी उबलेंगे वो स्टीम से उबलेंगे, मतलब आलू जिस कंटेनर में है उसमें हमने पानी नहीं डाला है। तो ये आप ध्यान रखें, अगर हम आलू के साथ, मतलब पानी के साथ आलू को उबालते हैं ना जब, तो उसमें और ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है, तो मिक्सचर और ज़्यादा गीला होता है, इससे बड़े ऑयली ज़्यादा होते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मली जैसे भी आलू उबालते हैं उबाल लीजिए, लेकिन उन्हें आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए, मतलब उनकी कंडीशन बहुत सही हो जाएगी वड़े बनाने के लिए। ये देखिए बहुत बढ़िया से आलू पक चुके हैं। आलू का जो मेजरमेंट है, मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए थे, मैं मेजर करके आपको बताऊँगी आगे। अब है टिप नंबर 3, आलू और बाकी चीज़ों का सही मेजरमेंट। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साबूदाना बहुत अच्छे से भीग चुका है, ओवरनाइट मैंने रखा था, एकदम खिला खिला हो चुका है, हर एक दाना अलग अलग है, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है और हाथों को बिल्कुल भी गीला या महसूस नहीं हो रहा है। साइड में आप इमेज देख रहे हैं, अगर गलती से आपका साबूदाने में इतना सारा पानी है तो आप इसे कपड़े से थोड़ा सा टैप करके इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर सुखा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट की। अब ये साबूदाना भीगने के बाद अगर हम मेज़र करेंगे तो ये उसी कप में आता है 2 कप। तो 2 कप साबूदाना के लिए हमें उबला हुआ मैश किया हुआ आलू लगेगा 1 कप, और भुनी हुई मूंगफली का दरदरा कूटा हुआ पाउडर लगेगा 1/2 कप। 2 कप, 1 कप, 1/2 कप, ये हो गई कप की मेजरमेंट। और अगर हम ग्राम की मेजरमेंट देखेंगे तो साबूदाना जब मैंने भीगने के लिए डाला था तो वो 200 ग्राम जितना था, तो 200 ग्राम जितने सूखे साबूदाना के लिए 150 ग्राम जितने उबले हुए आलू और 50 ग्राम जितनी भुनी हुई मूंगफली का दरदरा कूटा हुआ पाउडर। क्लियर? ओके, तो फिलहाल हमने इसमें अभी मूंगफली तो नहीं डाली है, पहले आलू ही हमें डालने हैं। आलू डालकर इसे अच्छे से पहले हमें मैश कर लेना है। इसी के साथ में मैं नमक भी डाल देती हूँ, लगभग 1/2 चम्मच जितना, क्योंकि ये इसके साथ अभी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इन्हें मैश करना बेहद ज़रूरी है, अगर आपने इस प्रोसेस में थोड़ी सी कंजूसी कर दी तो आपको ये इसका रिजल्ट मिलेगा। आप वड़े बनाने जाएंगे
तलते तलते एक स्टेज तक तो वो अच्छे से तले जाते हैं, लेकिन बाद में हो सकता है कि वो फट जाए क्योंकि उनमें वैसी अच्छी बाइंडिंग नहीं आती और इसीलिए वो फट जाते हैं। तो वो बाइंडिंग प्रॉपर तरीके से आए इसलिए यहाँ पे इसको अच्छे से आप मिला लीजिए पहले। तो ये देखिए मैंने मिला लिया है, इतना मैश भी किया लेकिन फिर भी साबूदाने का दाना मैश या एकदम टूट के पूरा चूरा चूरा नहीं हुआ, इसलिए एकदम परफेक्ट तरीके से साबूदाने का भीगना भी बेहद ज़रूरी है और आलू का उबलना भी ज़रूरी है। तो अभी अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है, आगे के इंग्रेडिएंट मिलाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी हमें मूंगफली का पाउडर मिलाना है, तो अगर ये कप में देखेंगे तो आधा कप है, ग्राम में देखेंगे तो 50 ग्राम जितना ये पाउडर है, बिल्कुल सही नाप मैं आपको बता रही हूँ। दो हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई, एक अच्छा कलर भी आए इसलिए मैं आधा चम्मच जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल रही हूँ, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता। और इसमें हम डालेंगे लगभग आधा चम्मच जितना जीरा और बारीक कटा हुआ धनिया। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, साबूदाना वड़ा इतना ज़्यादा ऑयली बनता क्यों है? मेरे पास दो मिक्सर है, आप इस तरफ देख सकते हैं ये मिक्सर काफ़ी गीला गीला सा आपको लग रहा है, अगर ऐसा गीला मिक्सर हो तो इससे बनने वाले वड़े ऑयली ही बनते हैं। सिंपल सा रीज़न है, जितना गीला मिक्सर उतना ऑयली वड़ा, ये ध्यान रखें। और अगर वड़े ऑयली हैं तो ऑब्वियसली वड़े थोड़ी देर बाद सौगी हो जाएंगे और इसीलिए वो गीले गीले भी लगेंगे, क्योंकि मतलब तीनों ही चीज़ों का सोल्यूशन एक ही स्टेप में है कि मिक्सर हमें गीला नहीं चाहिए। अब टिप नंबर 4, टिक्की बनाने का सही तरीका। सिर्फ ये दो हाथों में लिया, थोड़ा सा चपटा कर दिया, टिक्की वाला शेप दे दिया, बस हो गया, नहीं। अगर आप एकदम प्रोफेशनल साबूदाने वड़े की दुकान पर अगर गए होंगे और उन्हें बनाते अगर आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो बहुत अच्छे से दबा दबा कर टिक्की को बनाते और टिक्की की जो थिकनेस है वो बहुत कम रखते हैं, ज़्यादा मोटाई उसकी रखते नहीं है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पहले लड्डू की तरह इसको बांध लेना है, बिल्कुल अच्छे से ये बाइंड हो जाए, फिर इस तरीके से थपथपाते हुए इसको फ्लैट करना है आपने। हाँ जी, तो ये हो गया आपका टिक्की वाला शेप और इसको थोड़ा पतला ही रखना है। तो इस तरीके से ये कुछ टिक्कियाँ मैं बना लेती हूँ। तो अभी आप टिक्की देख सकते हैं, टिक्की में साबूदाना है, मतलब दिख भी रहा है, थोड़ा सा मैश ये हो ही जाता है, लेकिन दिखता भी है, दिख भी रहा है और अच्छे से बाइंडिंग भी आ चुकी है। अब इन्हें तलना कैसे, ये बेहद ज़रूरी है। तलने के लिए मैंने तेल लिया है और तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है, अच्छे से मतलब मैं आपको बता दूँ कैसे। और अब मैंने जो फ्लेम रखी है गैस की वो मीडियम टू हाई की तरफ है, ये एक एक वड़ा मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तो फिलहाल तेल में आपको सिर्फ झाग नज़र आ रहा है। साबूदाना वड़ा तलते वक्त सिर्फ दो बार ही पलटना है, कौन से दो बार पलटना है अब बताती हूँ। तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल सिर्फ झाग नज़र आ रहा है, तो इसलिए अब तक हम चम्मच से इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे जब तक साबूदाना वड़ा झाग से अलग होकर ऊपर दिखाई ना देने लग जाए। अब ये देखिए दिखाई दे रहा है, अब पहली बार मैं इसको टर्न कर रही हूँ, आराम से इनकी साइड पलट दीजिए। अब दूसरी साइड से हम इनकी सिकाई होने देंगे लगभग 40 सेकेंड्स के लिए। तो अब इन्हें मैं अब ये दूसरी बार पलट रही हूँ, सिर्फ दो ही बार हमें वड़ों को पलटना है, बार बार पलट पलट के इन्हें सेकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छा कलर आ चुका है। कैसे फ्राई हुए या नहीं कैसे पता करेंगे, ये देखिए जीरा, जीरा का कलर चेंज हो चुका है, हल्का सा जला नहीं है लेकिन कलर चेंज हुआ है, मूंगफली भी है थोड़ा कलर चेंज हो चुका है, जलने नहीं देना है। चलिए ये वाले वड़े तो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कलर भी अच्छा है, क्रिस्पी बन चुके हैं एकदम बढ़िया से। और एक कंडीशन है, अगर इन वड़ों को आपने और थोड़ी देर के लिए फ्राई किया, सिर्फ और थोड़ी देर के लिए, क्या होगा, एक एक करके सारे वड़े फट जाएंगे। और जब वड़ा फटने वाला होता है उससे पहले हमें समझ आता है, देखिए कैसे फूल रहा है, सेंटर की तरफ देखिए ये पोर्शन फूल रहा है, यही से वो फटने वाला है। ओवर कुकिंग की वजह से, मतलब अगर आपने उन्हें ज़्यादा फ्राई किया, ज़्यादा स्टीम अंदर डेवलप होगी, वो स्टीम बाहर आने की कोशिश करेगी और इस चक्कर में वड़ा फट जाएगा। मतलब जिस स्टेज पर हमें ऐसा लगे कि कहीं ये वड़ा अभी फटने लगेगा, उससे पहले ही वो तेल से बाहर आ जाना चाहिए, मतलब सारा खेल टाइमिंग का है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वड़े बनाना बता दिया, बस इसके लिए चटनी की रेसिपी है, फटाफट से वो बता देती हूँ। मिक्सी जार में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून जितनी दरदरी कूटी हुई भुनी मूंगफली, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च, आप अदरक भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, अगर आप हरा धनिया ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे तो चटनी को एक हरा कलर आएगा जो अच्छा दिखता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच 1 टीस्पून जितनी शुगर, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना दही, थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे पीसना है, नमक भी मैंने डाल दिया, और बस आपकी चटनी तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।